गुड इवनिंग एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू द क्लास 11, मूविंग टू क्लास 12, फाइनल लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज लेक्चर नंबर 6। वेरी वार्म गुड इवनिंग, गुड टू सी यू ऑल बैक इनटू द क्लास। अच्छा, आप ये बता दो, कल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें या इस टॉपिक का टेस्ट चाहिए? रश्मिता, गियन, दीपक, मानसी, कार्तिक, शिल्पा, गुड इवनिंग। तो कल क्या आपको इस चैप्टर का फुल टॉपिक टेस्ट चाहिए? इन द मेन कॉमेंट सेक्शन आज पक्का डाल देना, राइट? आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? टेस्ट चाहिए तो बता देना मेन कॉमेंट सेक्शन में, जो बोलोगे वो ले लेंगे। वैसे तो अगर आपको पूरा सिलेबस का टेस्ट चाहिए तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ के आ जाओ, टेस्ट होगा। परसों से फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन विद हैंडमेड नोट्स स्टार्ट कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। This is Dr. Vani and I am the head of Department of Biology. Have been awarded the best teacher in 2017, 2018 and 2019 at the National Teachers Conclave. Come with over 10 plus years of experience, thousands of NEET selections in the top colleges of our country. Class 12th ka daily session 9 PM, class 11th ka daily session at 5 PM and NEET 2021 is sharp at 10 AM. Guys, don't forget attending daily live session for class 12th at 5 PM. Biotronics Got Talent Part 2, poem और शायरी क्या आप लोगों ने सबमिट कर दिया? बहुत 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 बच्चे, राइट? लाइक मेरे को लगता है सम पिछली बार 7-8 हजार आ गया था, इस बार तो लाइक किड्स आर इवन मोर एक्साइटेड कि मैम शायरी करेंगे, पोएम कहेंगे। यस, चलिए फिर डू सेंड इन योर डिटेल्स। कल सुबह एनटीए का पेपर हो रहा है, फुल सिलेबस, 30 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द नेशनल टेस्ट अभ्यास, शार्प एट 10 AM। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम करने वाले कल 5 बजे। वैसे तो कल मैं हैंडमेड नोट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ, पर मैंने आज सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक का टेस्ट ले लिया जाए। व्हाट्स इट? यस ओ, तो इस टॉपिक का टेस्ट ले लिया जाए। व्हाट्स इट? व्हाट्स इट? व्हाट्स इट एवरीवन? अगर आपको इस टॉपिक का टेस्ट चाहिए तो अभी के अभी एक लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए, और इस टॉपिक का टेस्ट लेना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का। यस, काफी रिवाइज भी करवा रही हूं मैं, तो अगर आपको इस टॉपिक का टेस्ट चाहिए फुल, आप पढ़ना चाहते हैं और कल देना चाहते हैं तो मुझे बता देना। गाइस, इसी बात पे प्यारा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन। क्या आप सबको नोटिफिकेशन आ जाते हैं? यस, सो डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन। प्लीज चैट सेक्शन में भर भर के दे दीजिएगा एंड आई विल देन टेक अ टेस्ट। आज तो टेन मेंटी है बट अभी तो सिलेबस खत्म कराना है ना। यस, फुल सिलेबस। यार मुझे कमेंट सेक्शन, जैसे लेक्चर खत्म हुआ जाने से पहले कमेंट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले रहा हूँ, बायोट्रॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशंस फ्रॉम मी। अगर मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है यू कैन डू इट एट कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड, एंड दिस इज द एंकर पॉडकास्ट, प्लीज गो देयर एंड बिकम अ पार्ट, राइट? आई होप आप सबने प्रो मेंबरशिप ले लिया, हजारों बच्चों ने। अच्छा, बाय द वे, बिग न्यूज फॉर टुडे, मेरी सारी क्लासेस में जेनेटिक्स शुरू करवा रही हूँ, सो ऑल माई क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग टू कम इनटू द प्रो मेंबरशिप। क्या आपने देखिए, आपको माई कोर्सेज पे जाना है। सी, आप अपने माई कोर्सेज पे जाइए और वहां जाकर गो फाइंड आउट ऑल माई क्लासेस, सुपर अमेजिंग, राइट? सो प्लीज गो टू माई सेशन एंड गो फाइंड आउट ऑल माई क्लासेस। सो ये देखिए, सारा जेनेटिक्स की क्लासेस, सारी आपकी क्लासेस लग चुकी है। जितने भी बच्चों ने प्रो मेंबरशिप लिया, प्लीज गो टू माई कोर्सेस, माई कोर्सेज में जाइए, माइक्रो कोर्सेज में, राइट? और वाली मैम की बायो पे सिलेक्ट कीजिए, यू विल बी एबल टू सी ऑल माई क्लासेस एंड प्लीज ज्वाइन देम। गाइज, ये देखिए, जितने भी माइक्रो कोर्सेज है, थाउजेंड्स ऑफ देम, सारे लाइव, एंड सो मेनी ऑफ वाली मैम्स कोर्सेज, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल। और मैंने ऐसा टाइम लगाया कि आपका कोई भी लॉन्ग टर्म बैच भी अफेक्ट नहीं होगा, राइट एवरीबडी? सो प्लीज गो टू माई कोर्सेज एंड यू कैन वेरी इजिली गो फाइंड मी देयर। डन। आपको ये तो पता ही है गाइस कि एम्स में और बाकी कॉलेजेस की फीस में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, पता है आपको? कहाँ 6,000, कहाँ 60 लाख। और आपको ये भी पता है कि आप एक बार मेरी क्लासेस में आओगे, आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। सर, आप अपने फोटो खींच के डाउट्स पूछने, दे आर गोइंग टू बी अमेजिंग। असेसमेंट्स देखिए, राइट? गो गिव असेसमेंट्स, टेस्ट देखिए, माइक्रो कोर्सेज में आइए। तो वानी मैम के माइक्रो कोर्सेज, वानी मैम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑल दैट यू टू डू इज you have to enroll. तो doubts, notes, tests, assignments, competitive exams, ये देखिए आपका schedule, everything is going to get sorted. Done? Yes? बिल्कुल दृष्टि, 6,000 और 60 लाख, that is the kind of difference we are talking about. एक बार आपको दिखा देती हूँ
एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग. तो यहाँ पे क्लिक करना है, इसके नीचे यहाँ पर हमारा माइक्रो कोर्स. बाय द वे गाइस, आप रोज का डीपीपी सॉल्व कर रहे हो? कल मैं इसका डीपीपी डिस्कशन भी लूंगी अलॉन्ग विद द टेस्ट. क्या आप रोज के डीपीपी सॉल्व कर रहे हो? आज के टॉपिक तो डीपीपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है. यस, आज की जो टॉपिक है ना वो डीपीपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है गाइस, मतलब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है. तो आज की डीपीपी तो यार सॉल्व करनी है, और कल इस टॉपिक का टेस्ट होगा. देन फाइनली आई विल मूव ऑन टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग. डेली डीपीपी सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो हियर, यहां पर जाइए और प्रो सब्सक्रिप्शन यहां से रजिस्टर कीजिए. एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू बाय द 1 month पैक, राइट? चलिए, सो यहां पर कोड अप्लाई हो जाएगा एंड यू कैन कम ऑन टू अवर लॉन्ग टर्म क्लासेस. सुपर अमेजिंग. तो फटाफट से चैप्टर को खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या आप अपने नोट्स वाली कॉपी खोल लोगे? चलो आ जाओ. चलिए, मेंटी भी आज, लेट मी सी कितने बच्चे मेंटी भी एकदम कहर ढाते हैं. सो प्लीज गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये देखो यार, ये सारे माइक्रो कोर्सेज हैं. ईच ऑफ दीज माइक्रो कोर्सेज यू कैन ज्वाइन. अप्रैल में हजारों, मई में हजारों. सो ऑल ऑफ दीज माइक्रो कोर्सेज यू शुड बी एबल टू जस्ट गेट देम. एक बार आप आ गए, आपको पता है वेदांत ने एक प्रॉमिस किया हुआ जिसे वेदांत प्रॉमिस कहते हैं. किसी भी इंस्टीट्यूट ने आज तक ये वाला प्रॉमिस नहीं किया. अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं समझ में आए एंड यू हैव टू टेक द मनी बैक, उसके लिए तो लड़ाई झगड़ा. यस, मतलब जाके लड़ना पड़ता है, इसका उसका अप्रोच लगानी पड़ती है. बट विदांत ने बोला कि अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऑल योर मनी कम्स बैक. बाय द वे आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, वेदर इज वेरी बैड. तो अगर थोड़ा सा बीच में कट हो जाता है, टेंशन मत लेना, वी विल कम बैक. डन, चलो. So let's get started. Seed. So हमने कल क्या करा है? We did double fertilization, we did triple fusion, we did endosperm. Yes or no? मैंने आपको तीन चीजें कराई. Yes. What did we do, guys? Everybody on my screen. हमने double fertilization किया, हमने triple fusion किया, right? और double fertilization, triple fusion के बाद हमने क्या बनाया? हमने endosperm बनाया, right? Everybody. और इसके बाद हमें पता चल गया कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, एंडोस्पर्म बन गया. अब हमें पता है कि सीड बन जाएगा. गाइस, एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, टेंशन नॉट. एक बार ये थ्योरी खत्म हो गई ना तो मैं आपको पूरी एनसीईआरटी करवा दूंगी. डन, इसी बात पे एक हाई फाइव ऑन माय स्क्रीन. एक बार ये थ्योरी खत्म हो गई, कल आपका टेस्ट होगा. एक बार यूनिट बाय यूनिट खत्म हो जाए, मैं आपको सारी यूनिट्स की एनसीईआरटी रिवाइज करवा दूंगी. जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. द सीड, फाइनल प्रोडक्ट इज द सीड, इट इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ये वर्ड आता है एमसीक्यू. सो व्हाट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल? इट इज द सीड. व्हाट इज द सीड? इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स. सो फ्रूट्स के अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम सीड कहते हैं. इसके बाहर सीड कोट होते हैं और सीड कोट के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा, छिलका, कवरिंग. इसके बाहर सीड कोट होगा, कॉटिलिडन्स होंगे. कॉटिलिडन अगर मिट्टी से बाहर आ गए तो उनको कॉटिलिडनरी लीफ कहेंगे. कॉटिलिडन के अंदर क्या स्टोर्ड होता है? फूड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है. बेटा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, देखते कितने बच्चे दे पाते हैं. जो फूड जाइगोट बनाने के लिए सेव होता है, फूड फॉर जाइगोट, वो क्या होता है? जाइगोट बनने के लिए एंडोस्पर्म. एंडो. और जो फूड फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ ऑफ जर्मिनेशन के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉटिलिडन. जर्मिनेशन लिखिए. और गाइस, क्या आपको याद है मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस पिछली क्लास में कराया था, मैंने रटवाया था आपको. अगर ये कॉटिलिडन है तो कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एपिकोटाइल. और कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट क्या होगा? हाइपोकोटाइल. क्या होगा? हाइपोकोटाइल. इज दैट क्लियर एवरीबडी? येसो, इज दैट क्लियर एवरीबडी ऑन माय स्क्रीन्स? हां जी मैम, क्लियर हो गया. येसो, चलो तो चले आगे. कॉटिलिडन के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, कॉटिलिडन के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल. सो इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, इट कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन, इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. कॉटिलिडन आर सिंपल, थिक एंड सोलिड, क्योंकि इनमें खाना स्टोर होता है. किस लिए स्टोर किया हमने खाना? हमने जर्मिनेशन के लिए खाना स्टोर किया. मोस्ट ऑफ द डायकॉट्स के पास दो कॉटिलिडन होते हैं. कॉटिलिडन का मोनोकॉट्स में नाम क्या होता है बताओ?
आरव, जुबेरिया कालिया, आराधना, कॉटिलिडन का मोनोकॉट्स में नाम क्या होता है? कॉटिलिडन का मोनोकॉट्स में नाम होता है स्क्यूटिलम. क्या नाम होता है? स्क्यूटिलम. एंड गाइस डोंट वरी. आज तो वैसे भी आपको मेरे को दो सवालों के जवाब देने हैं. सबसे पहला सवाल, मेरे सारे बच्चों को दो सवालों के जवाब देने हैं. सबसे पहला सवाल, क्या मानी मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो आपको ऐसे कराए या एनसीईआरटी से कराए? क्या आपको एनसीईआरटी मार्किंग करनी है अपनी, तो क्या आपको ऐसे कराया जाए या एनसीईआरटी से कराया जाए? और दूसरी चीज, क्या आपको पहले टेस्ट लिया जाए? तो आपको कैसे पढ़ना है आपको बताना है. डन? ऐसे करना है, एनसीईआरटी से करना है, दोनों करना है. अच्छा, तो एक काम करते हैं, तो कल हम सबसे पहले टेस्ट लेते हैं. डन? एंड उसके बाद क्या हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन हैंडमेड नोट्स और एनसीईआरटी से करें? ये बताओ, क्या हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन हैंडमेड नोट्स प्लस एनसीईआरटी से करें, एक टॉपिक हाइब्रिड तरीके से? मजा ही आ जाएगा. यस, तो ये मैं आपका एनसीईआरटी अंडरलाइन करवाते रहूंगे, साथ में जितना कुछ ऐसे लिखा हुआ है वो हैंडमेड नोट से कराएंगे. सो यू विल डू हैंडमेड नोट्स एंड एनसीईआरटी. तो ये दोनों सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. कल तो आप टेस्ट दोगे, कल तो कोई डाउट ही नहीं है. एक यूनिट खत्म हुई, आप पूरा यूनिट का टेस्ट दोगे. डन? ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना. उसके बाद हम हैंडमेड नोट्स और एनसीईआरटी से करेंगे. यो, तो इसी बात पे हार्ट बना दो. एनसीईआरटी का एक पेज हैंडमेड नोट्स, एनसीईआरटी का एक पेज हैंडमेड नोट्स, एनसीईआरटी का एक पेज हैंडमेड नोट्स. चलो आज लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी आपको सीट के बारे में पता चल गया, कॉटिलिडन्स के बारे में पता चल गया, सीट कोटाई. अब सबसे पहले सीट कोट्स पे आ जाओ. सीट कोट क्या है? सीट कोट आपकी इंटेग्यूमेंट. लुक एट दिस डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम. अरे यार, कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल. कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल. रूट कहां से आती है? रेडिकल. शूट कहां से आता है? लुम्यूल. रूट कहां से आएगी? रेडिकल. और वॉटर कहां से एंटर करेगा? माइक्रोपाइल. वो कहां पे होता है? फ्यूनिकल. कहां लगा होगा? हाइलम, कॉनकेविटी. तो वॉटर कहां से एंटर करेगा? माइक्रोपाइल. और कॉटिलिडन के पास होगा स्टोर्ड फूड. आ जाइए सीड कोट पे. कॉटिलिडन के पास क्या होगा? स्टोर्ड फूड. यस और नो? हाई फाइव इग्नाइटर, प्रिंसी, अदिति, जुबेरिया. अब जो आपका सीड कोट है, जो इनर सीड कोट है, वो है टेगमेंट. तो बोलते पता है हम कैसे हैं? टेस्टा टेगमेंट. टेस्टा क्यों बोला है? क्योंकि ये आउटर है. टेगमेंट क्यों बोला है? ये इनर है. रट्टा मार लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है. रट्टा मार लिया पक्का. टेस्टा टेगमेंट ऐसे बोला है. हाउ यू हैव टू से? टेस्टा टेगमेंट. डन? टेस्टा टेगमेंट. आउटर इनर. नंबर टू, म्यूसिलस. म्यूसिलस हमेशा 2N होता है. जो बचा रह जाए पैरेन्काइमाटस टिश्यू, म्यूसिलस खाना बनाता है. जो बचा रह जाए पेरिस्पर्म. जो बचा रह जाए क्या कहलाएगा? पेरिस्पर्म. किसमें बचा रह जाता है? ब्लैक पेपर, कॉफी, कैस्टर, MCQ. जो कॉनकेविटी होगी, जो स्कार होगा, जो कॉनकेविटी है, जहां बीज लगा हुआ है, जहां बीच फ्यूनिकल पे लगा हुआ है, कि देखो जो कॉनकेविटी है, जो स्कार है, जहां से पानी भी अंदर जाएगा, जहां माइक्रोपाइल है, हाइलम. जो बीज जहां पे किसी चीज पे अटैच है, लगा हुआ है, हाइलम. डन है जी. ऑन माय स्क्रीन सीएजल बिलिंग व्लॉग्स, रवि, हरलीन, विमला, हाइलम. चलिए तो इसी साथ आगे चलते हैं. आज की क्लास में देयर इज अ लॉट टू लर्न, देयर इज अ लॉट ऑफ रिवीजन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आ गया एनसीईआरटी, बट कल तो मैं आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी से. डन? आपको कल तो टेस्ट है आपका, बाय द वे पूरे टॉपिक का टेस्ट है, और उसके बाद तो कराऊंगी एनसीईआरटी से. सबसे पहले देख लो मेरे बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट एनसीईआरटी से करके देखते टॉपिक, फिर देखते कितनी फील आती. फाइनल प्रोडक्ट. डन? फाइनल प्रोडक्ट. सेकेंड लाइन वाली मैम ने क्या लिखी थी अपने नोट्स में? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एम. डन? तीनों लाइनें. जिनके पास थिक होता है स्टोरेज ऑफ फूड्स, कॉटिलिडन किसमें होंगे? लेग्यूम्स, MCQ. कई सीड्स के पास अगर एंडोस्पर्म बचा रह जाए, एल्ब्यूमिनस,
और अगर ना बचा रह जाए नॉन एल्ब्यूमिनस, राइट, जिनके पास कोई भी रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता, नॉन एल्ब्यूमिनस, और अगर बचा रह जाए एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स मैंने आपको तीन या चार बार रटवाए हैं, पी, ग्राउंडनट, एमसीक्यू। और अगर बचा रह जाए वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, एल्ब्यूमिनस। और कई बार लेट मी टेल यू वन लास्ट टाइम, कई बार न्यूसिलस बचा रहता है, इसे पेरिस्पर्म कहते हैं। यस और नो बता दो, कई बार न्यूसिलस बचा रहता है। अगर न्यूसिलस बचा रहता है परसिस्टेंट, क्या मैंने आपको बताया है अभी क्लास में 5 मिनट पहले? बताओ, हाँ मैम बताया आपने, मेरी बात, आपकी बात सही है। यस, है ना, बताया हमने? हाँ जी मैम, बिल्कुल आपकी बात सही। एल्ब्यूमिनस, देखो इसीलिए मैं वो चीजें आपको नोट्स में लिखवाती हूँ गाइस, एनसीईआरटी में कई बार छूट जाती हैं, प्लीज उन्हें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्यूमेंट्स आउटर कवरिंग है, हार्डन है, प्रोटेक्ट करती है। टेस्टा टेगमेंट मैंने आपको 2-3 बार रटवाया बेटा, इसकी बात आना बहुत है। माइक्रोपाइल एक स्मॉल होल है जिससे क्या एंटर करेगा? वॉटर। वॉटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जर्मिनेशन। तो बेटा जितना भी वॉटर और एयर एंटर कर रहा है, ये वॉटर और एयर जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर करता है। अंडरस्टूड? क्या आज सुबह की क्लास आपने लगाई थी? डिड यू अंडरस्टैंड इम्बाइबिशन? जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इम्बाइबिशन। जैसे जैसे सीड मैच्योर करता है, इट नीड्स टू गेन अ लॉट ऑफ वॉटर। जैसे जैसे सीड मैच्योर करता है, नीड्स टू गेन अ लॉट ऑफ वॉटर। जब वो पड़ा हुआ है, once it is lying in a box and it's lying in your kitchen shelf, it's referred to as dormant. Dormant. As ovules mature into seeds, ovary develops into the fruit. Ovule develops into seed, ovary develops into fruit. Did we do this in the last class? Ovule into seed amar, ovary into fruit. Ovary ki covering kya kehlati hai bahar wali? Pericarp. It could be fleshy in guava, orange, mango, etc. राइट और ड्राई किसमें होता है? छिलका, मूंगफली का छिलका। ड्राई किसमें होता है? ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी? नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीड्स। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। द फ्लेशी पार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। इट कुड बी यू नो जूसी पल्पी, फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड गुआवा। इट कुड बी ड्राई, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। व्हाट इज न्यूसिलस? न्यूसिलस एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। इंटेग्यूमेंट्स के पास 2N टिश्यू होता है पैरेन्काइमेटस, जो फोटोसिंथेसिस करके कई बार खाना बनाता है। और अगर न्यूसिलस बचा रह जाए तो उसे क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। डन, ठीक है? Yes, hearts on the screen, one like, one share, one subscribe. अब इसी बेसिस पे क्या मैंने एनसीईआरटी को आपके लिए नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है? क्या मैंने एनसीईआरटी में जिनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है, वो सारा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पी, ग्राउंडनट बीन, क्या मैंने एनसीईआरटी को नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है? सानिया जी, रश्मिता, द्रोती, अंश। और जिनके पास बचता है, नॉट कंप्लीटली यूज्ड, कंप्लीटली यूज्ड नहीं हुआ, इट इज रिमेनिंग, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर, इनको एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पोरिक सीड कहते हैं। और जो छिलका होता है, दैट इज नथिंग बट द कवरिंग, पेरिकार्प। डन, इला कमल जी, बिलिंग व्लॉग्स, राइट। सो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो है कैस्टर और पी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है कैस्टर और पी। 500 टाइम्स ये रिपीट हो चुके हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। मैंने सारे एग्जाम्पल सब कुछ आपके लिए यहां डाल दिया है। आ जाइए सीड्स के एडवांटेजेस। क्या सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? अगर मैं नॉर्थ अमेरिका गई हूँ, क्या मैं कुछ सीड्स चुरा कर इंडिया में वापस लेकर आ सकती हूँ? क्या ये नई जगह जाकर कॉलोनाइज कर सकते हैं? क्या सीड्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है? पीज खाए सबने। क्या इनके अंदर फूड मटेरियल होता है?
बिल्कुल, ये तो हम खाते हैं। क्या सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आते हैं? यस। क्या सीड्स को आप एक डब्बे में डाल के डॉर्मेंसी के लिए रख सकते हो और अगले साल सही समय आने पर लगा सकते हो? यस। क्या इनको आप खाने के लिए यूज कर सकते हो जब आपको भूख लगे, जैसे चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, राइट, राजमा? तो क्या क्या इनके पॉइंट्स है दोबारा बताते हैं। कैन दे कॉलोनाइज फॉरेन एरियाज? यस। क्या ये फूड रिजर्व है जिनको आप थ्रू आउट द ईयर भूख लगे तो खा सकते हो? यस। डू दे हैव न्यू रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे? यस। एंड डॉर्मेंसी, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंट करके आप उनको रख सकते हो, सुखा कर रख सकते हो, और जब टाइम ठीक होगा, जैसे आज बारिश का मौसम है, उनको डाल दो। राइट। वायबिलिटी का मतलब होता है जिंदा रह पाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी? अलाइव। राइट। कई तो आपके बहुत साल चलते हैं, कई फ्यू मंथ्स में ही मर जाते हैं, कई तो हजारों साल चलते हैं। सबसे ज़्यादा तुंद्रा के पास से निकाला गया है आफ्टर 10,000 इयर्स भी जर्मिनेट किया है। वाव। एमसीक्यू है कम से कम 3 या 4 बार एग्जाम में आ चुका है, एटलीस्ट 3 या 4 times। राइट एवरीबॉडी, Guys, there is no lag. Refresh कर लो, बिल्कुल भी lag नहीं हो रहा है, ना लाइक जनता पार्टी। Yes, is that clear, guys? Done है जी, चले, बिल्कुल भी lag नहीं हो रहा यार, guys. तो वैसे ही आपको लग रहा है लैग हो रहा है, टेंशन ना लो, एकदम मस्ती से देखो गाइस। टेस्ट थोड़ी ना है, आजकल टेस्ट होता तो लैग करते समझ में भी आता। यस। सो सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर 10,000 डेज। उसके बाद है आपका डैक्टिलीफेरा फीनिक्स, जो कि आपके डेट पाम का पेड़ होता है, 2,000 साल के बाद भी जिंदा रहा। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुई ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, राइट, इजराइल में, तो 2000 साल बाद भी जिंदा मिला। राइट प्रिंसी जी, फीनिक्स डैक्टिलीफेरा एंड योर डॉर्मेंसी, और किसका था बेटा, सीड जर्मिनेटेड ल्यूपिनस आर्कटिकस। डन। ल्यूपिनस आर्कटिकस एंड फीनिक्स डैक्टिलीफेरा। फीनिक्स का मतलब ही क्या होता है, मरकर जिंदा हो जाना, तो फीनिक्स का मतलब ही क्या होता है, जो मरकर जिंदा हो गया। ओवरी किसमें डेवलप करती है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, अभी पढ़ा हमने, ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में। एनसीईआरटी, प्योरेस्ट एनसीईआरटी, वो भी आपके नोट्स बन गए हैं, वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्ड, फ्लैशी गुआवा ऑरेंज मैंगो, ड्राई ग्राउंडनट मस्टर्ड, इज दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी, यस और नो? राइट, थैंक्स देवियांशु, इज इट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बता दो। यस मैम, यस मैम, यस मैम, इज इट लाइन ऑफ एनसीईआरटी? अगली बार तो एक्सपेरिमेंट करने का मजा आ जाएगा। और अभी हमने कल हमने टेस्ट देना है और परसों हमने इसके मेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आउटर कवरिंग होगी आपकी पेरिकार्प, एपिकार्प सबसे बाहर की, बीच वाली जो हम खाते हैं मीसोकार्प, और अंदर की जो आपके बीच में सख्त हो गई है एंडोकार्प। एंडोकार्प, एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, दिख रहा है आपको, एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, डन है जी, चले आगे। थैंक्स शिवानी। फ्रूट्स, फ्रूट दो तरह के होते हैं, मैंगो, मेज, ट्रू, जो ओवरी से बना वो ट्रू, जिस मैस्कॉट ने फोटो बदल दी आज कम्युनिटी पेज पे फोटो, आज तो नहीं कह सकते, राइट, आर्ची जायसवाल है हमारा ट्रू मैस्कॉट। कौन है हमारा ट्रू मैस्कॉट? आर्ची जायसवाल। सेकंड ट्रू मैस्कॉट इज सीएजल। थर्ड ट्रू मैस्कॉट है इग्नाइटर दृष्टि तिवारी, राइट। फोर्थ ट्रू मैस्कॉट इज सांझ, बाकी सारे हैं फॉल्स मैस्कॉट्स। दीपक एक ट्रू मैस्कॉट है, ये देखो, आज तो आप कह नहीं सकते ऐसा नहीं है, ये फॉल्स और ट्रू फ्रूट समझा रही है। देखो आप इधर आ जाओ, राइट, इधर जो आइए कम्युनिटी पेज पे जो आइए, और इधर देखिए क्या दिखेंगे आपको, आपको दिखेंगे ये हमारे मैस्कॉट्स के फोटोज हैं, देखिए, राइट, बायोजॉनिक फनीट मैस्कॉट के फोटोज हैं। तो ये जिसने बदल लिए हैं वो हमारे ट्रू मैस्कॉट्स हैं, यस और नो? ये वेलकम टू इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है। सो बेटा, तो ट्रू फ्रूट है जो ओवरी से आएगा, जिसके पास बायोजॉनिक का फोटो है वो हमारा ट्रू मैस्कॉट है,
सांझ हमारी ट्रू मैस्कॉट है, अदिति हमारी ट्रू मैस्कॉट है, दिव्या उदासी ट्रू मैस्कॉट है, राइट, तबस्सुम मुश्ताक माय फेवरेट तबस्सुम इज हमारी ट्रू मैस्कॉट, प्रिंसी, दिव्या, फिरदौस आलमी, हरलीन चहल, पूर्णिमा, डन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू वो है जो ओवरी से बने, बाकी सारे कैलिक्स कोरोना सब कुछ डिजेनरेट कर जाए, मैंगो मेज ग्रेप, मैंगो मेज ग्रेप, ट्रू वो होता है, आई एम जस्ट किडिंग गाइस, ट्रू वो होता है जो ओवरी से बने, बाकी सब कहेंगे फॉल्स, जो थैलमस से बने, जहां पे फूल उग रहा है, जो बेस है, जो थैलमस है, जो थैलमस से बने फॉल्स, राइट, जब जो थैलमस, ये थैलमस से बना एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू कितना फूला होता है, कोई गोवा से बच्चा है, फॉल्स इज फ्रॉम द थैलमस, तो ट्रू है जो आपकी ओवरी से बनेगा, फॉल्स है जो आपके थैलमस से बनेगा, लिखो फॉल्स थैलमस से बनेगा, एग्जाम्पल याद रखिए एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू, ट्रू इज मैंगो मेज़न ग्रेप, चले आगे, हर एक के बाद ब्लैंक स्लाइड है, कोई डाउट है पूछ लो, अब आ जाओ पार्थिनोकार्पी सीडलेस, काश वाटरमेलन ऐसा होता, कितना इजी होता खाना, काश पपाया ऐसा होता, अगर आपने बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना डाला, साइंटिफिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीड तो तब आएगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, केले में नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इज दैट क्लियर, अगर ग्रोथ हॉर्मोन लगा कर ग्रोथ कर दी, क्या पता न्यूसिलस ग्रो कर जाए, राइट, एन ऐसे ही ग्रो कर ले, ग्रोथ हॉर्मोन्स लगाकर ग्रोथ कर ली, बनाना में तो कभी सीड नहीं होता, देखो वाटरमेलन नो सीड, देखो पपाया वो काले 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 डॉट्स नहीं, तो दिस इज रेफर टू पार्थिनोकार्पी, दिस इज विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट, हैंड रिटन नोट सौरभ जी, मंडे से शुरू हो रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, यस डन, इज दैट क्लियर, मंडे कह रही हूं, सॉरी परसों से, कल तो आपका टेस्ट है और परसों से आपके हैंडमेड नोट्स शुरू हो रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यस ओ प्रिंसी जी, इला कमल जी, इलियास जी, राइट, सो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनानास हो गया, पोमेग्रेनेट को अगर आपने पार्थिनोकार्पी कर दी, अनार को तो खाने को ही नहीं मिलेगा, बिकॉज सीड कोट खाते हैं हम, यस, तो पार्थिनोकार्पी उसमें कर सकते हैं जिसमें सीड वेस्ट है, अगर आपने अनार में कर दिया थी, अनार क्या है, अनार आपका सीड कोट खाते हो आप टेस्टाटेगमेंट, तो अगर आपने अनार में कर दिया तो काम गया, तो काम गड़बड़े, इसीलिए आप अनार में नहीं कर सकते, ग्रोथ हॉर्मोन्स लगाकर जब आप सीडलेस फ्रूट्स बनाते हो उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, वी कैन डू इट इन पपाया, वी कैन डू इट इन वाटरमेलन, वी कैन डू इट इन बनाना, बट वी कैन नॉट डू इट इन पोमेग्रेनेट, एपो मिक्सेस, एम्फी का मतलब क्या होता है बता दो, चलो देवी आंशु पवन जी बताइए, एम्फी का मतलब होता है दो, क्या मतलब होता है एम्फी का, दो, एम्फीबियन, वन हु कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फी बायो, बायो मीन्स लिविंग, एम्फी मीन्स टू, एपो का मतलब होता है एक, एपो का मतलब एक, जब एक सिंगल पेरेंट है दैट मीन्स देयर इज एसेक्सुअल, यस और नो, दो है तो दो पेरेंट्स, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक है तो सिर्फ एक पेरेंट, विदाउट मिक्सिंग, मिक्सी का मतलब होता है मिक्स करना, एम्फी का मतलब होता है दोनों के बीच मिक्स करना, एपो का मतलब होता है नो मिक्सिंग, दैट मीन्स इट इज अ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट है, यस और नो, ऑब्वियसली मीन्स इट इज अ सिंगल पेरेंट, एम्फी का तो मतलब दो है ना, एपो का मतलब एक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, it is seen in some species of asteraceae which is lily family and grasses, it is one single parent, so ek parent hoga do mein mixing nahi hogi, can I call it asexual reproduction, yes or no on my screens, yes or no, yes, lagta hai mimic kar raha hai copy kar raha hai, असली और नकली, मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है, लगता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जैसा है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होगी, राइट, अब आप ध्यान से सुनो, डिप्लोस्पोरी, प्लीज ध्यान से सुनिए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपोस्पोरी एंड अप. तो सबसे पहले आपने क्या देखा बेटा, सबसे पहले आपने देखा कि एम्फीमिक्सिस में दो पेरेंट होंगे, एपोमिक्सिस में एक पेरेंट होगा. तो अगर एक पेरेंट है तो यूनिपेरेंटल, दैट मींस इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहां पे अगर दो पेरेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, कई बार क्या होता है बेटा कि सूडोगैमी, लगता है कि गैमेट्स है पर गैमेट नहीं होते, 2n+0 मदर ही अपने आप बना देती है 2n+0 मैटरनल, 2n+0 बेटा. अगर मान लो एग है और एग एग है और अगर साइनोजिड के साथ कंबाइन करके अगर बाई चांस 2n बन जाए और ये जाइगोट की तरह डेवलप करना शुरू करे तो हम क्या बोलेंगे, एक पेरेंट है कि दो पेरेंट है, क्या बोलेंगे दृष्टि जुवेलिया, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एक पेरेंट है कि दो पेरेंट है बताइए. अगर जो यूनिपेरेंटल है सूडो है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक पेरेंट बोलेंगे या दो पेरेंट बोलेंगे बताइए आप प्लीज, समझाइए मुझे बस यस या नो. ऑब्वियसली हम उसको दो पेरेंट छोड़ता बोलेंगे, वी विल कॉल इट वन पेरेंटल ओनली. यस एवरीबडी. तो नेचर में ये तब आई जब अपने आप प्लांट पॉपुलेशंस ने 2n करना शुरू कर दिया. यस एवरीबडी. बट इज इट गुड, उनको दो पेरेंट्स कैसे कहेंगे, उसको तो हम एक ही पेरेंट कहेंगे ना, यूनिपेरेंटल. एपोमिक्सिस को तो हम कहते ही सिर्फ मेटर्नल आ रहा है, मेटर्नल 2n. और 2n मेटर्नल कैसे आ सकता है, न्यूसिलस से बन जाता है, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी, न्यूसिलस एम्ब्रियो बना देता है, कई बार साइनोजिड से बन जाता है, कभी बीच के सेंट्रल सेल से बन जाता है. इट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर प्लांट. राइट, अंडरस्टूड प्रतीक, अंडरस्टूड अनुष्का? यस, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर प्लांट. मैं आपको थोड़ा ये डिटेल में अभी चल के समझाती हूं. ठीक है, ओके. सो ये देखो, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस हैं जो मेरे को आपको समझाने हैं. और दो मिनट रुक जाओ, आज तो मैंने मेंटी पे इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस डाले हुए, यू गोना लव इट. आज की मेंटी थोड़ी सी मुश्किल है, इन्हीं चीजों पे मैंने क्वेश्चंस सारे के सारे डाले हुए, बस आप दो मिनट रुक जाइए, मेंटी आने वाला है. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एपोमिक्टिक डेवलपमेंट. व्हाट इज एपोमिक्टिक डेवलपमेंट, राइट? क्या होता है बेटा एपोमिक्टिक डेवलपमेंट बताइए. एपोमिक्टिक डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, सिंगल पेरेंट, इसी का तो मतलब होता है एपोमिक्टिक, राइट? नो मिक्सिंग, ठीक है. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सीड, दैट इज एन एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस. ए गैमोस्पर्मी, एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस. अगर मियोसिस नहीं रहा, मतलब ध्यान से सुनो, अगर मियोसिस ही नहीं हुआ, कह रहा मियोसिस ही नहीं हुआ, छोड़ो परे, तो 2n मगर सेल यही क्या बना देगा, साइगोट, क्योंकि मियोसिस ही नहीं हुआ. इज दैट क्लियर, आया समझ में? इसी पे एमसीक्यूज आ रहे हैं. ए गैमोस्पर्मी. अब ए गैमोस्पर्मी कितने टाइप की है, रेकरेंट, नॉन रेकरेंट. एम्ब्रियो सैक के सारे सेल डिप्लॉयड हैं, या तो न्यूसिलस से बन जाएंगे एपोस्पोरी, न्यूसिलस भी तो डिप्लॉयड है. बहुत अमेजिंग चीज करा रही हूं, ध्यान से करो, ध्यान से हा? ये किसी बुक में नहीं थी, बहुत मुश्किल है. एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स, कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ, 2n ने मियोसिस ही नहीं किया, मदर सेल ने मियोसिस ही नहीं किया, एम्ब्रियो सैक सारा आपका 2n है, तो न्यूसिलस से बन जाएंगे, न्यूसिलस भी 2n है. मेगास्पोर मदर सेल से बन जाएंगे, डिप्लोस्पोरी ये भी तो 2n है, बाकी सेल्स भी सारे डिप्लॉयड है, एंटीपोडल सेल सब कुछ डिप्लॉयड है, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ. मैं दोबारा बोल रही हूं, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस नहीं किया. जब मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस नहीं किया, न्यूसिलस तो वैसे ही डिप्लॉयड होता है, राइट? आपके सारे सेल डिप्लॉयड है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, न्यूसिलस डिप्लॉयड है, ये सब आगे चल के जाइगोट बना सकते हैं. अगर जाइगोट न्यूसिलस से बनता है, इफ द जाइगोट इज फॉर्म फ्रॉम न्यूसिलस इट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी, इफ द जाइगोट इज डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इट इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी. इज दैट क्लियर? कई बार एम्ब्रियो जो है वो हैप्लॉइड बन जाता है. अगर एम्ब्रियो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बना है तो सीड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एपोमिक्टिक है ना, तो ये नॉन वायबल, मर जाएगा, क्योंकि यहां पर तो इट इज एक एग कैसे डेवलप करेगा, मेल तो आ नहीं रहे, राइट? तो अगर मियोसिस नहीं हुआ
तो वो टू एंड न्यूसिलस के पास इतनी इंफॉर्मेशन है, वो एम्ब्रियो बना देगा। अगर न्यूसिलस एम्ब्रियो बना रहा है तो उसको एपोस्पोरी कहेंगे, अगर मदर सेल एम्ब्रियो बना रहा है तो उसको डिप्लोस्पोरी कहेंगे, और अगर एम्ब्रियो हैप्लॉइड बन गया तो इट इज गोइंग टू डाई। एडवांटिव डन। एड 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 एड, क्या एड करना है? देखो बेटा, डिप्लॉइड सेल अदर देन एग, एग हो सकता है, एन हो जाए, अदर देन एग, एडिटिव अदर देन एग, क्या पता न्यूसिलस से बन जाए, क्योंकि न्यूसिलस तो 2n होता है, इंटेग्यूमेंट बन जाए, इंटेग्यूमेंट भी 2n होते हैं, न्यूसिलस भी 2n होता है, तो अगर एग के अलावा एडिटिव किसी की एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और एक एक्स्ट्रा इनकम है, एडिटिव, एडिटिव, एक बार दोबारा समझाती हूँ, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, पूरा दोबारा समझा रही हूँ, एपोमिक्सिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, नो मिक्सिंग, समझ में आ रहा है? सिंगल पेरेंट, नो मिक्सिंग, समझ में आ गया? डन, फास्ट ऑन माय स्क्रीन, यस मैम। एडिटिव पॉलीएम्ब्रियो, सबको दोबारा समझा रही हूँ, सबसे पहले एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, एपोमिक्सिस का मतलब है सिंगल पेरेंट, मिक्सिंग नहीं हुई है, सिंगल पेरेंट। अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए विदाउट मियोसिस तो उसे कहेंगे ए गैमोस्पर्मी, मियोसिस के बिना अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए विदाउट मियोसिस तो उसे कहेंगे ए गैमोस्पर्मी। विदाउट मियोसिस कैसे होगा? दैट मींस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस नहीं किया, तो अगर मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए डिप्लोस्पोरी, अगर न्यूसिलस से फॉर्म हो जाए एपोस्पोरी, अगर एम्ब्रियो हैप्लॉइड हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाता। अगर मेगास्पोर मदर सेल के अलावा किसी और चीज से एडिटिव, किसी और चीज से एम्ब्रियो बने, एडिटिव एम्ब्रियोनी, न्यूसिलस से बने, न्यूसिलस 2n होता है, इंटेग्यूमेंट से बने 2n होता है, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, माल्टा, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट्स और पंशिया, इन सब में एडिटिव, इसके अलावा n के अलावा एम्ब्रियो के अलावा अगर मल्टीपल एम्ब्रियो बने न्यूसिलस से इंटेग्यूमेंट से, पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कॉमन है अनियन में, ग्राउंडनट में, लेमन में, मैंगो में, ऑरेंज में। तो एडिटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना। दैट मींस आपके डिप्लॉइड सेल अदर देन एग, अदर देन एग कौन है? डिप्लॉइड सेल अदर देन एग इंटेग्यूमेंट्स डिप्लॉइड है, न्यूसिलस डिप्लॉइड है, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बने पॉलीएम्ब्रियोनी। किसमें होती है पॉलीएम्ब्रियोनी? अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन। आई होप आप सिर्फ एक ये स्लाइड कर जाओ, 100% क्वेश्चंस ओवर डन। आर्यन, आपको ऐसी स्लाइड सच में नहीं मिलेंगी, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। That is all. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं, मैंने आपको आज इतना कराया है, आप इतना कर जाओ, आप देखना आप छा जाओगे एग्जाम में, हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए, नई नई चीजें लगाने के लिए फ्लोरिकल्चरलिस्ट हॉर्टिकल्चरलिस्ट एपोमिक्सिस का यूज करते हैं। एपोमिक्सिस में क्योंकि एक प्लांट होता है डिजीज फ्री, इन्फेक्शन नहीं होती, दो प्लांट्स को यूज नहीं करते। मल्टीपल एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी अगर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को कंजर्व करना है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। अगर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को कंजर्व करना है, अलग अलग फर्टिलाइजेशन नहीं करानी, मिक्सिंग नहीं करानी, कंजर्व करना है, एपोमिक्सिस करो। हॉर्टिकल्चरलिस्ट यूज करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, मल्टीपल एम्ब्रियोस और कंजर्व करने के लिए। डन, यस। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, जो जो मैंने आपको डिटेल में बताया है वो सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। बेटा आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको सबसे पहले एपोमिक्सिस का एग्जांपल दिया था, एस्टरेसी, स्टार फैमिली, डेजी फैमिली एंड ग्रासेस? बताओ, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा दिखता है पर असली में वैसा नहीं होता है, मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इज दैट क्लियर? यस। विदाउट फर्टिलाइजेशन सिट्रस, ऑरेंज, लेमन, मैंगो, अभी एक स्लाइड से पहले कराए, देखो लेमन, ऑरेंज, मैंगो, राइट? ये देखिए एस्टरेसी, ग्रासेस, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का मैं नोट्स में बनाती हूँ, एक एक वर्ड। मेंटिसेंटी आने वाला है, देखो लास्ट स्लाइड, उसके बाद मेंटिसेंटी। कई बार न्यूसिलस से बन जाता है, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी, यस, और ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
हाइब्रिड सीड्स को हर साल बनाना पड़ता है. मेन इनकी डिसएडवांटेज है कि हाइब्रिड सीड्स को हर साल बनाना पड़ता है. ये अपने आप सीड्स पैदा नहीं करते हैं, राइट? हाइब्रिड सीड्स, देखो बेटा, ये ट्रू ब्रीडिंग होते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो इनमें कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है. नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो वेरिएशन, नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. डन? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अगर बाय चांस आप हाइब्रिड सीड्स ऐसे बना सको कि वो सीड्स प्रोड्यूस कर सके और सीड्स वाइबल हो, स्पेशली जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, इनके सीड्स फार्मर को हर साल लेने पड़ते हैं. पर अगर आपने सीड ऐसे बना दिए जो हर साल अपने आप सीड्स देंगे और सीड जिंदा रहेंगे, तो फार्मर को हर साल पैसे खर्चने नहीं पड़ेंगे. डन? इसी के साथ बढ़ते हैं मेंटी पे. पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है बच्चों, एज थाउजेंड्स ऑफ योर रिक्वेस्ट, कि वाणी मैम की क्लासेस चाहिए. वाणी मैम की क्लासेस शुरू हो चुकी है. आप जिन जिन बच्चों ने प्रो मेंबरशिप ली है उन सब के टाइम टेबल में मेरी क्लासेस आ जाएंगी. ये देखो, ये देखिए. ओके, बैच इज कमिंग सून. कहां गया? अच्छा, ये अभी आने यार, अभी मेरा टाइम टेबल खुल नहीं रहा है. होम स्क्रीन पे जाके देख लेती. ये देखो आ गया, माय सेशंस पे चले जाते हैं, राइट? अच्छा, मैं आपको होम स्क्रीन पे जाके दिखा दूंगी गाइस, डोंट वरी, राइट? बट माय सेशंस आर अवेलेबल वेरी वेरी सून फॉर ईच वन ऑफ यू. डोंट यू वरी, राइट? डोंट वरी, आप सबको मेरे सेशंस अवेलेबल हो जाएंगे. डन गाइस, चले फटाफट मेंटी पे, जल्दी से चलते, चलिए आइए.